Facebook.com के सभी फेसबुक यूजर्स का इस फेसबुक लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एक पोस्ट डाली थी कुछ ही देर पहले कि हमारे साथ होंगे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी, तो आज हमारे फेसबुक लाइव पर आ गए हैं मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टा जी, हमारे साथ व्यूअर्स बहुत सारे जुड़े हैं और एक के बाद इनके सवाल भी लगातार आते रहेंगे। ऑनलाइन यूजर्स हैं, अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं और वो सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, हम उनके सवाल के जवाब भी ज्यादा से ज्यादा और कुछ चुनिंदा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही सबसे पहला मेरे सवाल आपसे, तो राजस्थान की धरती में आपका स्वागत है, जयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान से कैसा आपका ताल्लुक रहा हुआ है, कुछ थोड़ा सा एक शुरुआती प्रश्न में आपसे। राजस्थान एक वो धरती है जिसके गाँव शहीदों के परिवारों से भरे हुए हैं। एक एक गाँव 10-10, 50 गाँव शहीदों के हैं। इन्होंने 71 का युद्ध हो, इन्होंने 35 की जंग हो, इन्होंने कारगिल की जंग हो, अभी भी हमारे जवान शहीद होते हैं। ये राजस्थान की बहादुर सपूतों की, महाराणा प्रताप की कुर्बानियों, शहादतों की, तपों की मिट्टी से वो जवान जोधे तैयार हुए हैं। इसलिए राजस्थान की उस धरती के आगे मैं बार बार सिर झुकाता हूँ। ये खून से लथपथ बुनी गई है, बनी है ये धरती, मैं उसको प्रणाम करता। बेटा जी, आपका नाम जब भी आता है, बात हमेशा, सवाल हमेशा आता है कि सीमा पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, टेररिज्म हो रहा है लगातार, इसमें थम नहीं रहा ये दहशतगर्दी, उस पर सवाल रहता है। हाल ही में कल ही पुलवामा में एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा का कमांडर मारा गया अबू, इतनी बड़ी सफलता मानते हैं सेना की इस तरह के जो एनकाउंटर होते हैं? ऐसा है, पहले आतंकवादी हमारे जवानों के सिर काट देते थे, बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, हमारी चौकियां तबाह कर देते थे और हम मुशर्रफ साहब को कहते थे लाल कारपेट के साथ ताजमहल आके देखिए। आज अगर एक चौकी तबाह होती है तो हमारे हिंदुस्तान की फौज 100 गोली से जवाब देती है, 100 चौकियां तबाह करती है। आज एक गोली पाकिस्तान से चलती है, 100 गोली का जवाब दिया जाता है। हमारे 14 जवान धोखे से पाकिस्तान कश्मीर में घुस करके शहीद करता है और हमारे जवान 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस करके पंतालियों को ठोक करके जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हमारे जवानों ने 115 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, तो एक कामयाबी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जंग का जो ऐलान किया है उसको हिंदुस्तान की हमारी फोर्सेस पूरा कर रही। बेटा जी, आपने संकेत दिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर ढेर किए थे आतंकियों को, क्या सर्जिकल स्ट्राइक वापस होनी चाहिए? इस तरह की स्ट्राइकें लगातार होती रहनी चाहिए, दहशतगर्दी जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक एक माहौल था, हमने उसका हिसाब चुकाना था। हमने पाकिस्तान को, हमने ISI को, हमने पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को बता दिया धोखे से जब जब हमारी फोर्सेस हमारे मातृभूमि के ऊपर हमला करोगे ऐसे हजारों सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पर अब जो हम मुकाबला कर रहे हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक से भी पड़े हैं। अब तो हम अपनी सरहदों के अंदर रोज ठोकते हैं, डेली जवान ठोकते हैं। अगर पत्थरबाज नहीं हटते हैं तो गोगोई मेजर जैसे, बहादुर मेजर जैसे अपनी जीप पे बांध करके पत्थरबाजों को घुमाते हैं और बताते हैं आने वाले टाइम पे यह कानून बनेगा, जो हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंकेगा उसके यही कानून सरकार बनाएगी। तो उसका जवाब दिया जा रहा है, दलेरी से जवाब दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। हम मानते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर एक आज़ादी है, लोग ऐसे वीडियो वायरल करते हैं, कोई ऐसे लोग गलत करते हैं, उन वायरल वीडियो को देख करके ये समझना होगा हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों बहनों को कि हमारी फोर्सेस की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी में कमी तो नहीं? ये दो चीज़ों का हमें ध्यान देखना होगा, फिर हम उसके ऊपर कोई कमेंट करें। आज़ादी कर सकते हैं पर हमारी फोर्स और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हूं, ना मेरा बीजेपी से कोई लेना था, मैं नरेंद्र मोदी जी की आतंकवाद के खिलाफ वो पॉलिसी के साथ हूं जिसने 14 आतंकवादियों का बदला लेने के लिए इजाजत दी। खुले हाथ छोड़े ठोक के आओ पाकिस्तान में, एक चौकी तबाह करते हैं, इनकी 100 चौकियों को ठोको, तो मैं उस पॉलिसी के साथ हूं। कोई भी कमेंट करने से पहले जरूर ये सोचो, क्या नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ नहीं है? है तो फिर हौसला दे दो, है तो
तो फोर्स के जवानों को सलूट कर दो। जवान कुर्बानियां देगा, देता रहा है, पर जवान को और पॉलिटिशियन लड़ने वाले को तब तकलीफ होती है जब हम सोचे समझे बगैर कुछ भी कह देते हैं। मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, पर अगर कोई अच्छा काम करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो मैं उसके आगे सिर झुकाता हूं। और जिस दिन बिट्टा कहेगा ये पॉलिसी कमजोर है तो समझ लीजिएगा कि पॉलिसी कमजोर है, अब पॉलिसी कमजोर नहीं है। बिट्टा जी, पीएम मोदी की नीतियों के बारे में आपने जिक्र किया, मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ के पास जाते हैं, अचानक से दौरा कर देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति में शपथ ली, नवाज शरीफ को बुलाया, हम भी बड़े हैरान थे। जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में बताए बगैर हिंदुस्तान की जनता को चले गए, मोदी जी जिंदा वापस कैसे आ गए, मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान में जाके नरेंद्र मोदी जी का वापस आना, अरब कंट्री में जाके नरेंद्र मोदी जी का वापस आना, दुबई में इतना खुला घूमना, हमारे लिए बड़ा एक सोचने का विषय था कि हमारे प्रधानमंत्री जिंदा वापस कैसे आए। सवाल सबसे बड़ा ये था, हमने भी प्रश्न चिन्ह उठाए कि क्यों गए। पहले तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे, पर अब पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान शांति चाहता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी शांति चाहता है। अगर ये चीज उन्होंने बताई तो आज ये भी हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी दुनिया को बता रहे, अगर पाकिस्तान मेरे जाने पे, बुलाने पे, मेरे हाथ जोड़ने पे नहीं माना तो अब इसका एक ही रास्ता है, गोली का जवाब, गोली एक चलेगी सौ देंगे, तो वो दुनिया को बता दिया। इसलिए अमेरिका, सारे कंट्री हिंदुस्तान के साथ हुए और पाकिस्तान को अकेला कर दिया, पाकिस्तान बुखला गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने नंगा कर दिया। हम इसके घर भी गए खतरे में, हम यहां भी बुलाया, पाकिस्तान ने उसके बाद पठानकोट में हमला किया, दीनानगर पे हमला किया, पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम इसके इसका इलाज गोली का जवाब, गोली दे रहे। बेटा जी, इस बीच में एक सवाल और उठता है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर, जो भारत की धरती है, हिंदुस्तान की धरती है, उधर ISI के झंडे फहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, पत्थरबाज सेना का विरोध करते हैं, बड़ी विडंबना की स्थिति है, कैसे इससे निपटा जाए? क्या देखो, मैं आपको देखो, हम बिगड़े हुए माहौल के थे, हम कई सालों से बिगड़े हुए थे, जैसे पॉलिटिक्स थी, जैसा सिस्टम था, कुछ हमने ब्यूरोक्रेट अपना कुछ गलत कर दिए, कुछ ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियनों ने हमको बिगाड़ दिया, हम एक दूसरे को बिगाड़ते रहे, हम सिस्टम में नहीं थे, हम डिसिप्लिन में नहीं थे। बाहर के कंट्री में क्या है, डिसिप्लिन है, यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। अब एक डिसिप्लिन राजनीति में नहीं आ रहा है, फोर्सेज में नहीं आ रहा है, तो उसको वक्त लगेगा। इनकी हिम्मत कि ये हमारे हिंदुस्तान के झंडों को आग लगा दें, इनकी हिम्मत, ये पाकिस्तान के वक्त आ गया। और मैं एक स्पष्ट कहूंगा, ये पाकिस्तान ISI और उन आतंकवादियों के नेताओं को, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब बेटा जी, ये वाकई जोशीले अंदाज में जिस तरह से आप ललकारते हैं, वाकई ये काबिल, सभी ऐसी को देखते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आतंकवाद हर कोई चाहता है कि किसी तरह से खत्म हो, कब आखिर खत्म होगा? साल दर साल बीतते जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन स्थिति वो की वही। देखो, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी सख्त थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी स्पष्ट थी, पिछले 10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी सही नहीं थी। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने, जिन्होंने हमारे खून से सजाई हुई कांग्रेस तबाह करके रख दी, बर्बाद करके रख दी, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नारा दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के हर हिंदू को आतंकवादी बना दिया, ये कारण था वो पॉलिसी। अब नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी जो है, मैं फिर कहूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हूँ, मैं BJP में नहीं हूँ, मैं उसकी पॉलिसी के साथ हूँ। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी टोटल राष्ट्र के लिए है, किसी का बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कोई नोटबंदी के कारण हो रहा है, कोई नया, मेरा उससे लेना देना नहीं, मेरा लेना देना है इस मातृभूमि के चरणों में, कि मातृभूमि की एक इंच हिस्सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप चाइना में देखो, बॉर्डर पे देखो,
चाइना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हमारे जवानों ने जफ्फा मार मार के उनको भगा दिया। क्या पहले कैसे ऐसे हुआ था, अब चाइना को पता चल गया कि 1965 का भारत नहीं, तो ये किसकी पॉलिसी है? ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है कि मेरे भारत का एक इंच हिस्सा बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई इसकी तरफ आंख उठा के न देखे, उसमें नुकसान हो फायदा हो ये बात की बात है। राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, वो पॉलिसी के ऊपर क्लियर है, तो क्लियर है तो हम उनको जरूर करते हैं। यूपीए सरकार जब थी उसमें कोई खामियां लगी आपको आतंकवाद के उस पर जिस तरह से स्ट्रैटेजी थी कैसे रोका जाए क्या नहीं, यूपीए सरकार के दौरान नहीं, अगर जहां दिग्विजय सिंह जैसे नेता हूं जो आतंकवादियों के घरों में जाए, जिन्होंने बाटला केस के अंदर एक शर्मा हमारे बहादुर इंस्पेक्टर को मारा था, यूपी के अंदर घर में जाएंगे उसको कहेंगे क्या नाम ओसामा बिन लदेन को ओसामा बिन लदेन जी कहेंगे, यहाँ का क्रिमिनल अतिंदर पाल नाम था उसको उसके कहेंगे ये राजपूत था, अरे ये क्यों नहीं कहते मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, भारत माँ में पैदा हुए और उसी में ही जाना है। इन लोगों ने आतंकवाद की लड़ाई को कमजोर किया, कांग्रेस की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ कभी कमजोर नहीं हुई, सरदार बेअंत सिंह शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, कांग्रेस की लड़ाई अगर कमजोर की है तो ऐसे चापलूस लोगों ने, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे और ऐसे लोगों ने, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने कांग्रेस को नहीं कांग्रेस के साथ इन्होंने बलात्कार किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बुनी हुई कांग्रेस थी उसको तहस नहस इन्होंने करके रख दिया, तो इसलिए पॉलिसी है। अगर पॉलिसी उस वक्त सख्त होती, नरसिम्हा राव की पॉलिसी सख्त थी, हम सलूट करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए अगर मजबूत है, अगर मैं उस पॉलिसी का समर्थन नहीं करूंगा, अगर मैं उसके आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं अपनी भारत माँ के साथ धोखा करूंगा, मैं उन शहीदों के परिवारों के साथ धोखा करूंगा, मैं उन शहीदों की जो आत्मा है उनके आत्मा को ठेस पहुंचाऊंगा। पॉलिसी टाइम कितना लगेगा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इसका कुछ पता नहीं, नियत साफ आतंकवाद के खिलाफ होनी चाहिए वो है। और राज्य सरकार की क्या भूमिका लगती है, महबूबा मुफ्ती की वहां पर सरकार है, क्या लगता है कि केंद्र की पॉलिसीज अलग होंगी, राज्य सरकार भी देखो, इसमें मैं कई चीजें मैं सामने नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ वहां गवर्नर रूल कर दो, मैं यही कह सकता हूँ फटाफट ठोक ठोक के मारते रहो। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये सरकार बीजेपी की सरकार है, कई सवाल प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं, धर्म के ऊपर उठ जाते हैं, वहां अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता सवाल ज्यादा उठे। मैं कहता हूं कि महबूबा मुफ्ती जो है उसको अपने स्टैंड को और मजबूत आतंकवाद के खिलाफ करना चाहिए। ये कई सीक्रेट ऐसी चीजें हैं जिसको टेलीविजन के अंदर बोल करके मैं लोगों से वाहवा ले लूंगा, प्रशंसकों से वाहवा ले लूंगा, नहीं, ये राष्ट्र का मुद्दा, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी एक पैसा गलत नहीं है, गारंटी से कहता हूँ। और जवानों को खुली छूट है, इन बदमाशों को, इन गुंडों को एक गोली चलती 100 गोली का जवाब देना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। बेटा जी, आपने हिंदुस्तान की सरकारों की बात की, केंद्र की बात की, राज्य की बात की, ग्लोबली अगर बात करें सारे दुनिया के जो देश हैं वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात, दहशतगर्दी वैसे की वैसे। देखो दो बातें, मेरा बचपन से जीवन बम्बों, गोलियों, अस्पतालों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ने के लिए जीवन का बड़ा हिस्सा गुजर गया। अब तो हम बोनस की जिंदगी पे मर चुके हैं, मौत का इंतजार करते रहते, बम्बों गोलियों से कब आएगी मातृभूमि के लिए। हम दुनिया में कई सालों से सुन रहा हूँ सिग्नेचर किए, हम आतंकवाद के खिलाफ एक होंगे, हम ज्वाइन हैंड अगेंस्ट टेररिज्म, ज्वाइन हैंड ग्लोबल टेररिज्म, पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ ये सिर्फ नारे हैं, ये दिखावे हैं, ये मीडिया पॉलिटिक्स है। आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, जहां नरेंद्र मोदी जी अभी इजराइल में गए, वो पॉलिसी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को अपनानी होगी, जो इजराइल की पॉलिसी है। और देख लेना, नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल गए उसके पीछे बड़े मैने होंगे। आज 4-5 साल के अंदर जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर नौजवान स्टूडेंट जब 11th-10th class से जब कॉलेज में जाएगा, 2 साल की उसको फौज की वर्दी पहननी ही पड़ेगी, ये वक्त आएगा जी। हमें इसराइल की पॉलिसी के ऊपर चलने की जरूरत है। बेटा जी, सवाल आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में दहशतगर्दी थी, KPS गिल को फ्री हैंड दिया गया था,
क्या इसी तरह से किसी को फ्री हैंड देना चाहिए आतंकवाद खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए? फ्री हैंड आखिर किस तरह से देखना क्या होता है? बिल्कुल, आज आप हैरान होंगे कि कश्मीर के अंदर फ्री हैंड है। मैं मानता हूं कि जो वीडियोस वायरल होती हैं, जो वायरल वो कराते हैं हमारे लोगों को भड़काने के लिए, हमारे जवानों के कटास होता है, हमारे जवानों के पत्थर फेंके जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि गोलियां चला सकते हैं, गोलियां चलाना कोई है नहीं कि ठाड़ 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 चलाते रहो, पर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा। हिंदुस्तान की फौज अगर इस तरीके से लड़ाई लड़ेगी, हम जब हमारे जवानों के जनाब एक पत्थर चलता है ना, तो हम किस रूप में उस पत्थर चलाने वालों का जवाब, गोलियां चलाने वाले जो सौ सौ गोली ठोक ठोक के मारते हैं, याद रखिए जवाब जरूर मिलता है। पत्थर इधर चलता है, जवाब उनको गोलियों से मिलता है। वक्त जरूर आएगा कि वक्त जो आ चुका है, आतंकवादियों के नेता जो हवाला के जरिए पत्थरबाजों को पैसा देते थे, सबको बुला लिया गया है। पहले इनको लाल कारपेट से बुलाया जाता था दिल्ली, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती थी दिल्ली, होम मिनिस्टर इनका इंतजार करता था, प्राइम मिनिस्टर इंतजार करता था इनकी ऐसी की तैसी। अब इनको लैंड में खड़ा करके हमारा इनकम टैक्स एक्साइज जो भी हमारे डिपार्टमेंट है इनको बुला रहे, भैया बताओ पैसा आईएसआई ने कहां दिया? विदेशों में बच्चे पढ़ाते हो, यहां पत्थरबाज जवानों पे गोलियां चलाते हो, पैसा कहां से आता? आपका कोई कारोबार नहीं? इंक्वायरी पहली बार ये शुरू हुई है, पहले कभी नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी भी की, उम्मीद ये जता रहे लगा रहे थे कि फंडिंग कम होगी, टेररिज्म खत्म होगा, फंडिंग जो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जब नोटबंदी हुई हम भी खिलाफ थे, हम बिगड़े हुए माहौल के थे, हो सकता है 5-10 लाख अपने पास भी हो सकता है जी। हमारे दोस्त कई लोग कहते थे ये क्या हो गया, हर व्यक्ति परेशान था। पर जब हमने लाइनें खड़ी देखी अपनी कोठी से निकलते हुए, बुजुर्ग औरतें किस लिए लाइन है, अरे 2000 निकालना है, हम भी रोने लग गए कि आज ये वक्त आ गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त 2000 रुपया लेने के लिए हमें लाइन में खड़ा होना पड़े। हम वीआईपी नहीं है, पर हमें वीआईपी समझा जाता है, मंदिर जाते हैं अच्छी जगह पे जाते हैं, हमें वीआईपी ट्रीटमेंट होता है कि आज 2000 के लिए हमें मोदी जी के राज में खड़ा होना पड़ेगा। पर हमने सोचा जब मातृभूमि रोती है, जब मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे जमीन जवान सीने पे गोलियां खाते हैं, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं होती? जब मातृभूमि रोती है उसकी भी तकलीफ होना चाहिए। जो कुछ हुआ है ये मातृभूमि की रक्षा करते हुए नोटबंदी का फैसला हुआ है। मैं मानता हूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर इसमें नक्सलाइटों में और कश्मीर के जो अलगवादी नेताओं में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। फंडिंग का असर पड़ा है आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए फेसबुक लाइव पर आपसे सवाल तो लगातार हम पूछ सकते हैं, बहुत सारे ढेर सारे सवाल है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, आपके पास भी वक्त बहुत कम है। एक मैं शेर आखिर में बोलूंगा, सदियों से है कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं, तू मांग रहे कश्मीर मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीबी बच्चों से पढ़कर, ये हमारा जवान कहता है, बीबी बच्चों से पढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु है, वंदे मातरम जय हिंद। वंदे मातरम जय हिंद। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल और लेना चाहेंगे, बायोपिक की बात आ रही है कि आपकी फिल्म भी आएगी, चलते चलते एक छोटा सा शॉर्ट नोट में, क्या है ये फिल्म, आपकी आपके जीवन पर आधारित कोई फिल्म आने वाली है इस बार? मेरे पे जो पिक्चर है, जो नाम किसी ने दिया है, किसी ने स्टोरी लिखी है, राइटर ने बड़ी अच्छी पिक्चरें उन्होंने बनाई है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, इस पिक्चर का नाम रखा है उन्होंने, मैंने नहीं, जिंदा शहीद बिट्टा। वो जब पिक्चर आएगी, उसमें पिक्चरों में नकली बम दिखाते हैं, असली बम चलते हुए दिखाएंगे, और सबसे बड़ा जो उसमें बताया जाएगा, पॉलिटिकल टेररिज्म हिंदुस्तान में क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। एक है बम्बों गोलियों का आतंकवाद, एक है पॉलिटिकल टेररिज्म, वो सारी पिक्चर पॉलिटिकल टेररिज्म के ऊपर होगी, किस तरीके से हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स, सीबीआई, आईबी, सुरक्षा का किस तरीके से किसी को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद, उसके ऊपर होगी। कब होगी अभी नहीं कह सकता, टाइम लगेगा, बनेगी जरूर, पर हर पिक्चर में हर पॉइंट में सच्चाई होगी, ड्रामा नहीं होगा। चलिए
अरे बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, ढेर सारे सवालों के जवाब दिए, आपके सवालों के जवाब दिए, हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद यही करें कि जल्द से जल्द दहशतगर्दी खत्म हो, हर कोई यही चाहता है। फिलहाल फेसबुक लाइव पर ये चर्चा इतनी ही, और फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।